आया। शायद मजबूर था मैं अपने बीते उन खुशनुमा सफरनामों के साथ। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वादियों में कोई एक ठंडी सी हवा मेरे अंदर समा जाना चाहती थी, पर मैं जी भरकर उसे गले लगा लेना चाहता था। हर क्षण तुम्हारा एहसास मेरी बाहों में पुत्री का समान छिपा हुआ है। एक बात कहूं, वक्त काफी लंबा हो चुका है, कहां हो तुम? ये तुमको लगता हो कि तुम मुझसे दूर हो तो तुम्हारा वहम हो गए। मैं तो आज भी फूलों में छिपी खुशबू के समान अविरल न कभी दूर होने वाला उसकी खुशबू। तुम भले ही मुझे छोड़कर चले गए हो पर मैं आज भी तुमसे न दूर होने वाला बादलों में छिपी बूंदों के समान घुला पाता हूं। और हाँ शायद वो तुमको याद होगा ना, वो मेरी डायरी जिसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बुलाया करता, तुम खींचती थी ना इससे, पता था मुझे। न जाने क्यों तुम्हारे जाने के बाद आजकल मेरे पास नहीं आते हो। और हाँ, वो जो हमारा खरगोश था ना छोटा सा, हम लोगों ने मिलके नाम रखा था ना उसका किट्टू, तुम्हारे जाने के बाद आजकल मेरे पास नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने लंच डिनर से मतलब रखता है। और वो हमारे घर के पीछे वाला झरना जिसकी आवाज में सुनकर उसकी आवाज मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे कानों में कोई वायलिन की धुन बज रही हो। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मेरे कानों पे चुभती रहती है। तुम्हें कहाँ याद होगा तुम्हारे सुबह की कोचिंग जाने के जो एक घंटे में पहले ही जग जाया करता था, आज मैं खुद की कोचिंग लेट हो जाता हूँ। और हाँ, जब हम लोग पार्क जाया करते थे, वो छोटे छोटे से बच्चे हमारे पास आके पैसे मांगते थे ना, और कहते थे कि आप लोगों की जोड़ी यूं ही ऐसे सलामत रहे। पार्क में आज भी जाता हूँ पर बच्चे मेरे पास नहीं आते आजकल। कल वो शाम को मुझे कैंटीन वाले अंकल मिले थे, वही जहां पर हम लोग कोचिंग से लौटते वक्त गर्मा गर्म काहे की जूस किया लिया करते थे, मुझसे पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे दोस्त ने देखी काफी दिनों से, कहां चले गए हो सबको ऐसे हालातों में छोड़कर। मानो ऐसा लग रहा है कोई बेरुखी सी हवा चल रही हो इस जहां में। और आज भी जब मैं अकेले कभी कमरे में बैठता हूं, उसकी दीवार में लगी घड़ी की सुइयों को देखता हूं, तो उसकी टकटकाहट मेरे कानों को कुतेड़ती और दिल सोचता है काश मैं तुमको उस लास्ट कैंडल नाइट डिनर में बता पाता कि मैं तुमसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और हर शाम की तरह वही शाम, बच्चों का शोर, साइकिल की खनखनाहट, मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान और आसमान से वो हवाई जहाज निकलने का दृश्य, जो एक रोज कभी मैं देखकर बस अंदर ही अंदर मुस्कुराया करता था, बताए आज ये सिर्फ मेरे लिए देवदास के किसी अंतिम सांसों के रूप में बारों के बुझते हुए दिए के समान प्रतीत हो रही। कहां हो तुम? लौट आना फिर से, शायद ये फिर से सर्दियों की मखमली से तो मुझे लुभाने लगने लगे, शायद ये फिर से तुम्हारे बालों की लटाएं मेरे अंदर पनप रहे दर्द को मरहम को रूप दे सके, शायद तुम्हारे नर्म होठों से सोरे निकलने के पहले मैं उस पर उंगली रख पाऊं, और शायद फिर से तुम्हारे गालों की लालिमा मेरे अंदर पनप रहे हर दर्द को मरहम का रूप दे सके। लौट आओ ना फिर से। थैंक यू सो मच गाइस। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।